फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते। फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय लव टिप्स। कोई आपको छोड़ देता है तो ये तीन बातें आपको उसको कहनी चाहिए डेफिनेटली। अगर आप नहीं कहते तो लाइफ भर आप पछताते रहोगे। अगर उसको लाइफ में कभी धोखा मिला तो आपकी तीन बातें उसे याद तो रहनी चाहिए कि उसने जिसको छोड़ा है वो एकदम सही था, आज उसने गलत डिसीजन लिया। वो आपको याद करके रोना चाहिए और उस दिन आपको कॉल मैसेज ढूंढना चाहिए ताकि लोगों के थ्रू या आपको उस दिन पता चले कि हाँ भाई उसे आज सबक मिला है। कौन सी तीन बातें, तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। अरे यार, वीडियो लाइक नहीं करते, शेयर तो किया करो ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर किया करो ताकि लोगों तक वीडियो पहुँचे और उनकी मेंटेलिटी, सोच बदले। अगर इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हो। मेरा भी अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी vijaymeena1226। यहाँ मैं पर्सनल कोट, मोटिवेशनल कोर्स वगैरह, मेरी पर्सनल लाइफ रिलेटेड वीडियो डालता। जो ठरकी और ठरकन है जो लाइफ में आ गए आपकी और उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, कहीं और इन्वॉल्व हो गए या शादी कर ली किसी के साथ या आपको हमेशा टाइम पास समझा, आपकी कोई वैल्यू नहीं करी, उनको ये तीन बातें ज़रूर बोलनी है। तो कॉल के थ्रू या मिलके, जो साला सन्नी देओल बन के आ गया पता चला है तो शक्ति कपूर है, जो सिमरन बन के आ गई पता चला ये तो कलसुंडी है। इन ठरकी और ठरकनों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इनको तीन बातें ये बोल देना ताकि लाइफ में इनको कभी भी धोखा मिले तो ये आपको याद करके रोए, उस दिन ये आपसे बात करना चाहे बट आप इनके पास अवेलेबल ना हो। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा तो ज़रूर मिलता है। चलो मेरी पहली लाइन पे आते हैं, क्या कहना आपको? गुड, कोई मैं फ्री नहीं था या फ्री नहीं थी जो आपको दिन रात इतने कॉल और मैसेज करती थी, ठीक है? ये मेरा प्यार था, मेरी भी लाइफ थी, मैंने अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय करी आपके लिए ताकि मैं आपको प्यार दे सकूं, आपकी केयर कर सकूं, ताकि आपको एक लॉयल्टी लड़की मिल सके, एक लॉयल्टी मतलब लड़का मिल सके, बट आपको कोई पड़ी नहीं थी। सही कहा है दुनिया वालों ने, हद से ज़्यादा प्यार और हद से ज़्यादा पानी किसी को हजम ही नहीं होता। चलो कोई नहीं, कोई फ्री नहीं होता बट मैं फ्री थी आपके लिए, मैं टाइम निकालती थी। आज के टाइम में टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है, सबका इशू ये होता है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बट क्या करें, हद से ज़्यादा प्यार किसी को हजम ही नहीं होता ना। कभी प्यार ही नहीं मिला तो हजम कैसा होगा। सही है, आप मेरी लाइफ में नहीं हो, चलो जाओ, आपकी मर्जी, आप जा सकते हो, मैं आपको रोकूंगी नहीं, मैं भी मूव ऑन कर सकती हूँ, बट आप इन चीज़ों के लिए हमेशा रोते रहोगे टाइम के लिए। अब आप किसी की लाइफ में जाओगे और उसने आपको टाइम नहीं दिया, तब आपको मेरे टाइम की वैल्यू पता चलेगी कि यार वो लड़की तो मेरे लिए टाइम निकाल लेती थी, वो लड़का तो मेरे लिए टाइम निकाल लेता था, तब आप मेरे को याद कर करके खून के आंसू रोओगे। फिर आपको दूसरी लाइन क्या कहनी है? प्यार तो सब करते हैं पर एक के साथ जो जिंदगी निकाले उसे प्यार कहते हैं, पता है आपको? जैसे देवदास, हीर रांझा, दुनिया आज भी इनको याद करती है, कितने सालों पहले मर चुके हैं प्यार करके, क्योंकि इन्होंने सच्ची मोहब्बत करी थी। ऐसा ही मेरा प्यार था, मैं आपके अलावा किसी और के लिए सोचना पसंद नहीं करती थी या सोचना पसंद नहीं करता था। कोई नहीं, आपके लिए मैंने दोस्तों को ब्लॉक किया, सबको ब्लॉक किया, बट यही है, सच्चे प्यार करने वालों की कदर ही नहीं है। कोई नहीं, आप जाओ जिसकी लाइफ में जाना है, एक दिन तो आपको मेरी याद आएगी और उस दिन आप इतने रोओगे और उस दिन मैं आपके पास अवेलेबल नहीं रहूँगी और उस दिन आप मेरे को याद कर करके रोया करोगे, याद रखना मेरी ये बात, या रोओगी मुझे याद करके। और आपको थर्ड लाइन क्या कहनी है? चलो अब कोई नहीं पूछेगा कहाँ हो, कब आओगे, किसके साथ हो, एक दिन भी आपके बिना रह पाना मुश्किल होता था, ठीक है? अब आएगा आपको रोना मुझे याद कर करके, कोई केयर नहीं करेगा, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, पहुंच गए क्या आप ऑफिस, अच्छा पहुंच गए कॉलेज, पहुंच गए स्कूल, कहाँ थे आप, कहाँ थी आप, अच्छा आराम से आना, किसी के साथ मत जाना, इसको ब्लॉक कर देना, ये चीज़ें याद आएंगी, आपको पता चलेगा केयर क्या होती है। जब कोई लड़की आपकी केयर नहीं करेगी या कोई लड़का आपकी केयर नहीं करेगा तब आपको मेरी कमी महसूस होगी और मेरा प्यार याद आएगा, मेरी एक एक बातें आपको याद दिला दिला के रुलाया करेगी, क्योंकि धोखा तो ज़रूर मिलेगा, जैसा आपने मेरे साथ किया वैसा आपके साथ होगा और उससे भी बुरा होगा। मैं नहीं चाहती आपके साथ बुरा हो क्योंकि आप मेरे प्यार हो और अपने प्यार को कोई तकलीफ में नहीं देखना चाहता, बट गॉड डेस्टिनी वेरी पावरफुल, भगवान की मतलब शक्ति बड़ी पावरफुल है और उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। चलो अपना ध्यान रखना, बाय, मैं भी मूव ऑन कर जाऊँगी, आप भी मूव ऑन करना और आप हमेशा लाइफ में खुश रहना, बट आपने एक सच्ची लड़की को खो दिया, एक सच्चे लड़के को खो दिया। चलो आज के बाद
आप मुझे कभी कॉल मैसेज मत करना, मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ, गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, बस ये तीन लाइनें कह देना, डेफिनेटली पार्टनर को सब चीज़ें फील होंगी, अगर नहीं होती तो एक दिन ज़रूर होगी, आज नहीं, 10 साल बाद नहीं, 15 साल बाद, बट होगी ज़रूर। देखो टाइम लगता है, अगले के अंदर फीलिंग मर चुकी है, बट टाइम तो हर चीज़ों में लगेगा ना, बट जिस दिन उसको फील हो गया उस दिन वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की ज़रूर कोशिश करेगा और रोएगा आपको याद कर करके, रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। लव यू मेरी यूट्यूब फैमिली, ट्रू लव करने वालों, लव यू टू यार, इतना प्यार करते हो आप अपने पार्टनर को, दिल को बड़ा अच्छा लगता है। चलो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना और भाई को ऐसे ही सपोर्ट करना।